बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ भागना पड़ा है। पिछले महीने शुरू हुए छात्र आंदोलन ने सोमवार को इतना उग्र रूप ले लिया कि प्रदर्शनकारी ढाका स्थित प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे और पीएम हसीना को आनन-फानन में देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान ने कहा कि देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश में मचे भारी उथल पुथल से पाकिस्तान के कुछ जाने माने लोग बेहद खुश हैं और वो शेख हसीना की सरकार गिरने का जश्न मना रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने शेख हसीना के पद छोड़ने की खबर सामने आते ही एक वीडियो जारी कर इस पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जनता को खूब बधाई, इस चीज से प्रधानमंत्री मोदी और भारत बहुत परेशान होगा। सबसे पहले तो बांग्लादेश के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। शेख हसीना इत्तलात यही हैं कि वज़ीर आज़म जो थी बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंच चुकी हैं या पहुंच रही हैं। और इस वक्त जिस तरह मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत बहुत परेशान होंगे। इसी बीच अब्दुल बासित भारत को भी घसीटने से बाज नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को भारत का सैटेलाइट देश बना दिया और वो भारत के हाथों में ही खेलती रही। जब पाकिस्तान ने उनसे दोस्ती का हाथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत काजमी ने भी बांग्लादेश के संदर्भ में भारत को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ बांग्लादेश जश्न मना रहा है तो वहीं भारत शेख हसीना के सत्ता से हटने पर शोक मना रहा है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा ने भी शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि शेख हसीना ने बेहद खराब तरीके से अपने राजनीतिक पारी का अंत किया। वही पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने लिखा कि इस महिला ने सत्ता बचाने के लिए गैर जरूरी रूप से बल का प्रयोग किया, लेकिन जनशक्ति के आगे राज सत्ता को झुकना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान के जाने माने पत्रकारों ने भी शेख हसीना के सत्ता से हटने पर अपनी खुशी जाहिर की। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।